पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर मरियम इकबाल। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट OBGYN एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट IMC हॉस्पिटल लाहौर, डिफेंस फेज 5। माय स्पेशल इंटरेस्ट इंक्लूड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, एंडोस्कोपिक सर्जरीज एंड सब फर्टिलिटी। सो इन माय प्रैक्टिस ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ डू आई नो कि मैं लेबर में हूँ कि नहीं हूँ, स्पेशली द फर्स्ट टाइम मॉम्स जिनसे पहले का सी सेक्शन हुआ और वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक के बाद ऑप्ट करते हो। तो उनके लिए ये मैसेज है कि लेबर के साइंस बड़े सिंपल हैं। अगर आपको लगे कि आप बैठे में और सडनली यू फील लाइक यू पीड इन योर पैंट्स, ये फीलिंग आती है कि आपका यूरिन लीक हो गया है या वाटर बैग रप्चर हो गया, वो क्लियर क्रिस्टल वाटर होता है पानी की तरह होता है, आपको लगता है कि बस पानी निकला है अंदर से या यूरिन निकल गया है, या आपके अंडर पैंट्स वेट हो जाए या जहाँ बैठे हैं वो जगह वेट हो जाए, तो वो वाटर बैग लीकिंग का साइन हो सकता है, यानी कि आपका जो वाटर होता है अराउंड द बेबी वो लीक हो गया है। तो फिर आपने फॉरन लेबर रूम आ जाना है, या अगर आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो वो भी ऑब्वियसली साइन ऑफ अर्ली लेबर हो सकता है, जिसमें आपका म्यूकस प्लग रिलीज हो जाता है। तीसरा ऑब्वियसली लेबर पेन्स हैं। लेबर पेन से कैसे पता चलता है? एक ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन है जिन्हें फॉल्स पेन्स कहते हैं, वो अराउंड द थर्ड ट्रेमेस्टर शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपका यूट्रस कंट्रैक्ट कर रहा है, ये जगह जो आपकी टमी की है वो हार्ड हो रही है और सॉफ्ट हो रही है, वो ब्रैक्सन हिक्स है, और ये हमेशा पेनलेस होती हैं। तो अगर हार्ड और सॉफ्ट टमी हो रहा है तो वो कंट्रैक्शंस नहीं है, वो सिर्फ यूट्रस अपनी रिहर्सल कर रहा है फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर अगर आपको पेनफुल कंट्रैक्शंस हो रही हैं कि आपने यहाँ हाथ रखा और ये जगह हार्ड हो रही है जो यूट्रस की होती है, और साथ में पेन आ रही है, और जब ये सॉफ्ट होती है पेन चली जाती है, दैट इज़ प्रॉबेबली अ लेबर पेन। सो अगर आपको सिवियर पेन्स बैक से फ्रंट से, या अगर मैं बता सकूँ तो बहुत सिवियर पीरियड पेन आपके लिए फील हो रही है और साथ आपका टमी हार्ड हो रहा है, तो फिर वो कंट्रैक्शंस हैं, तो इस सूरत में आपने फ़ौरन लेबर रूम में आ जाना है। तो ये बेसिकली तीन चार साइंस हैं जो लेबर के होते हैं। और उसके अलावा बहुत सी मिथ्स हैं कि वही अगर यूट्रस हार्ड हो रहा है तो मैंने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, या यू नो अगर वजाइनल डिस्चार्ज है जो कि थिक वाइट होता है वो पानी की तरह नहीं होता, तो अगर क्रिस्टल क्लियर वाटर है तो वो वाटर बैग लीकिंग है, तो फिर लेबर रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये है कि अगर आपकी बेबी की मूवमेंट्स जो हैं वो आपको कम से कम 6-2 घंटे में फील नहीं हो रही हैं, देन यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। तो ये चार साइंस हैं विच शुड टेल यू दैट यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। और लेबर के साइंस मोस्टली यही तीन होते हैं कि स्पॉटिंग ब्लीडिंग होना, पेनफुल कंट्रैक्शंस होना, और ये कि आपका जो है लगे कि जैसे यू पीड इन योर पैंट्स, वाटर बैग लीक होना, इनमें से कुछ भी हो तो आप लेबर रूम चले जाएं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।